दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को नहीं बल्कि सुबह 6 बजे सोया था, 6 बजे भी नहीं, तकरीबन 7 बजे सोया था। तो अभी आँख खुली है, देखा 11:30 हुए थे, तो नींद आई है। चलो सोचते हैं थोड़ा सा और नींद पूरी करते हैं, फिर उठ के इंशाल्लाह ब्लॉग बनाते हैं। तो नींद पूरी करने के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं मैं बाहर बैठा हुआ था, तो मैं तो ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं शॉप पे बैठा हुआ था, जाते हैं अब आगे, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। गाड़ी वाले तो अंधे होके गाड़ी चलाते हैं, पता नहीं चलता है इनको। यार वैसे जैज़ का नेटवर्क बहुत अच्छा है यार, हाई स्पीड है, क्वालिटी भी अच्छी है, नेट कवरेज भी अच्छी है और पैकेज भी अच्छे है जैज़। हम जा रहे हैं, कल हम गुजर रहे थे तो मैंने एक होटल देखा, न्यू कोयटा बेलचा होटल, उसकी वीडियो बनाई है मैंने, अपडेट कर दी है। आप दोस्तों से गुजारिश है और भाइयों से ख़ास गुजारिश है कि यार पेज को लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप भाइयों के तावन की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा तावन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अगर थोड़ा सा तावन करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, इतनी अच्छी क्वालिटी अभी मेरे पास है नहीं है कि वीडियो व्लॉगिंग कर सकूँ। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा टाइम लगना है, तो फिर इंशाल्लाह अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी लेंगे। यार ये समझ नहीं आता, मैं तो सुबह गुजरता हूँ, ये देखे इतने चीले और ये सारे इधर घूम रही होती हैं, ये लोग पता नहीं इनको दाना डालते हैं या क्या करते हैं। कल दोस्तों मैंने व्लॉग बनाया था, कल जो मैंने व्लॉग बनाया था वो हैवी व्लॉग बन गया था, इतना हैवी व्लॉग बन गया। ये फैक्ट्री है जो हम एलपीजी गैस और पेट्रोल, ये उसकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी है, लोकेशन है चमड़ा चुरंगी है, ये उधर ये फैक्ट्री है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है। माशाल्लाह यार मैंने इस फैक्ट्री को देखा है, जब पहले देखे सब टैंकर खड़े हुए हैं, ये टैंकर इधर से सारी पेट्रोल लेके जाते हैं इधर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ये फिर आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ये फैक्ट्री है, एलपीजी गैस बनती है, एलपीजी गैस भी उनसे बनाते हैं पेट्रोल। मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो वो सामने आप देख रहे हो उससे आग निकल रही है। यार दोस्तों आप और कैमरे की इतनी जूमिंग नहीं आ रही तो आपको दिखा सकते, इतनी तेज़ आग निकल रही है ना कि पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर, कैसे बनती है गैस, किस तरह बनती है, लेकिन विज़िट करना पड़ेगा, इसके लिए पास चाहिए होता है। अगर आपका कोई आदमी है, कोई आदमी हो अंदर काम करने वाला, तो वही आपको पास बना के देगा, फिर आप उसी की मदद से अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। यार इस लिहाज से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कराची में, हालाँकि इतनी सख्त गर्मी है नहीं मुख्तलिफ शहरों में,
लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, घूमा नहीं जाता ऐसे। तो मैं आज बाहर निकला, मैंने कहा चलो आज बाहर निकलते हैं। अब आपको क्लियर नज़र दिखाती हूँ, मैं क्लियर नज़र आ रहा होगा, वो आप सामने देख सकते हैं दरख्त के साथ, वो देख सकते हैं आग निकल रही है। यार ये ऐसी आग है कि मैं आपको क्या बताऊँगा, ऊपर जो यार, वैसे ये इलाका बहुत इतना सही नहीं है, सारी मिट्टी है, नाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के बहुत बड़े बड़े टैंकर खड़ी हुए हैं इधर। तो दरअसल मैं आया था कराची, तो मैंने कहा चलो एक व्लॉग बना दे जाए। पहले मैंने अपने व्लॉग बनाना शुरू कर दिए, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था मुझे व्लॉग में मैंने मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। बस जैसे जैसे अब इंशाल्लाह दोबारा किया, अब मंथली बना लेंगे इंशाल्लाह, फिर व्लॉग बनाते जाएंगे। तो पहले मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था व्लॉग पे, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी चीज़ें नहीं थी। तो इंशाल्लाह आप मंथली व्लॉग बनाते जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बड़ी मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। उबैद व्लॉग ऑफिशियल चैनल का नाम है, वो आप देख सकते हैं बड़े बड़े खंभे की तरह उनसे आग निकल रही है, धुएँ निकल रहे हैं पता नहीं। तो मैं जा रहा हूँ अब पैदल, चमड़ा चुरंगी है ये। यार नाम ज़रा हटके है, पता नहीं ये नाम किस तरह का नाम है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा यार है। वैसे इस मौसम में तो पसीना नहीं आना चाहिए, लेकिन पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इतनी सर्दी है कि लोग कंबल में हैं, लेकिन अगर गर्मी की इंतहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, सामने आप देख सकते हैं सूरज फुल तेज़ है। अभी जब गर्मी आएगी तो फिर क्या बनेगा, तो देखते जाते हैं। तो चलते चलते दोस्तों हम आते ही गए, बहुत बड़े टैंकर है, भाई लोग हैं, हाथ ला दिए उनको, बेचारे खुश हो जाएंगे। तो यार बहुत गर्मी है, ब्लॉग बना रहे हैं, ये सारे भाई लोग देख रहे हैं कि आप वीडियो बन रहे हैं। चुरंगी चौक पहुंचने वाले हैं, पैदल ही चलोगे, देख ले आप सारी पेटियां बनती हैं, इधर बड़ी बड़ी गाड़ी है। वो गाड़ी आ गई, आगे गाड़ी आ गई थी, टाइम से पहले ही मारना चाहता ये हमें। यार ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर पाकिस्तान में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो सब कंपनियां इधर बनती हैं। मिसाल के तौर पे जीन्स हो गई, इग्लू कंपनी हो गई, डॉन ब्रेड हो गए, उसके बाद जीन्स, उसके बाद शूज़ पॉलिश जो करते हैं, उसके बाद जो पेंसिल किताबें वो सब चीज़ें इधर ही बनती हैं। सारे इंडस्ट्रियल एरियाज को गोदाम चुरंगी कहते हैं, गोदाम चुरंगी के नाम से ये मशहूर है, क्योंकि इधर सारी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा। वो आप देख सकते हैं इधर एक सीमेंट की फैक्ट्री है मेरे ख्याल में। अगर हम इस वे जाएँ तो आगे सारे फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, कारखाने हैं। अगर इस वे जाएँ तो हम कराची समंदर तक पहुँच, समंदर को रास्ता जाता है ये जो रास्ता सामने जा रहा है, ये भी चुरंगी को जा रहा है, कारखानों की तरफ जा रहा है। कराची की आबादी, कराची का हाल आप लोग देख सकते हैं, ये देखें। मैं इधर जाता, थोड़ा सा आगे राउंड लगा के चेक करते हैं। ये चुरंगी चौक है,
आई मीन ट्रैफिक चौक से गुजरना, गाड़ी वाला नीचे ही नहीं दे दे। यह आप देख सकते हैं कराची का हाल है। गाड़ी इस तरह चलाते हैं कि जैसे ये हाथ कट है, अब कोई नहीं आ रहा। फोन होता आपने कर लिया जॉब क्रॉस, तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है इधर सारियाँ, क्योंकि इधर फैक्ट्रियों में मैं आपको दिखा सकूं, ये जो जितना भी रास्ता है ये सारा फैक्ट्री है। आगे पीछे आप जितनी भी देख सकते हैं, ये इतना बड़ा बड़ा रोड है, ये सामने जा रहा है, आगे पता नहीं किधर जा रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं है, बस देख रहे हैं। जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और घर से निकला मैं, मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना लेते हैं। मकसद तो मेरा कुछ और ही था, लेकिन मैं आ गया ब्लॉग बनाने। कराची के हालात अभी तक बहुत बेहतर नहीं हुए, बहुत ख़राब है, अभी भी ख़राब है। तो दोस्तों जैसा आप देखते जा रहे हैं सारी फैक्ट्री ही है। अरे यार वापस चलना होगा, तो गर्मी भी बहुत आ रहा है, और आज विदाक बनाने पे इतना दिल नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार स्टार्टिंग करते हैं। मंथली विदाक बनाना आज से स्टार्ट, आज पहला दिन था विदाक बनाने का, तो अब चलते हैं आस्ते आस्ते घर को, घर चलते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, इस ट्रैफिक को कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी नया साल आ गया 2021, 2020 को हमने बाय बाय कर दिया। मेरा फ्रीडम है यार, चले भाई। भाई कह रहे थे मेरा भी वीडियो बना दो, मैंने कहा ये लो भाई तुम्हें भी अंदर ले लो, वीडियो बनाने में क्या आ रहा है। ये कराची के हालात हैं, कराची के हालात आप देख सकते हैं। चलते ही जाएंगे तो भैया ने नीचे हाथ दिए वो उसको रगड़ रगड़ के बेचारे का साई बंद कर दिया। ये चुरंगी चौक है, चुरंगी चौक से आप जाएंगे अब इधर से घर से घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम घूम रहे हैं। अच्छा इधर की एक बात है, आपने अगर किस जगह जाना है तो लगा कि अलग अलग बसें होंगी। अगर आपने बनारस जाना है, चुरंगी जाना है, गोदाम चुरंगी जाना है, चुना चुरंगी जाना है, इधर जाना है आपने, और एक्सट ये गाड़ियाँ डबे ही हैं अतगल गाजी को इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। मजदूर स्टॉप, यहाँ पे सारे मजदूर इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल जिसको जरूरत होती है वो सब मजदूर है लेके चले जाते हैं। और दोस्तों एक जहाँ मेडिसिन की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, दो फैक्ट्री हैं इधर, उनके वर्कर को भी छुट्टी हुई थी, हाफ ब्रेक हुई थी, 2 से लेकर 3 बजे तक हाफ ब्रेक होती है उनकी, खाना शाना खा ले, चाय शाय पी ले, सिगरेट विगरेट पी ले, जो करना होता है वो कर लेते हैं। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि हर जगह की अपने अपनी मतलब एक बस होती है, उनके नाम होते हैं, D11 हो गया, D10 पर्वत, इस तरह के नाम होते हैं, वो अपनी अपनी
बनारस पे जिसने जाना है, अपलिफ्टन पे जाना है, सीओ पे जिसने जाना है, वो अलग अलग बस होती है, वो अलग अलग ही जगह पे जाते हैं। इग्लू कंपनी, यार इग्लू कंपनी को मुझे समझ नहीं आ रही है किस चीज़ की कंपनी है। चलो जाके गूगल पर सर्च कर लेंगे इग्लू किस चीज़ की कंपनी है। कराची के लोगों का यही कहना है, कराची गरीब की माँ है, क्योंकि अगर जो भी मजदूर है ना वो पार्क नहीं जा सकता, कोई ना कोई काम मिल जाता है। एग्जिट अगर कंपनियाँ ही इतनी है कि आप जिस कंपनी में जाएंगे आपको काम मिल जाएगा। ये भाइयाँ छोरे लगा के बैठी हुए हैं बस, तक थोड़ा सा रास्ता रहेगा फिर घर पहुंच जाएंगे। और यार एक और बात कि कराची में सबसे ज़्यादा सिंधी और बलोची है। भाई साहब ने माटे लगाए हुए हैं, वो चार मजदूर भाई सोए हुए हैं, बस जिसका जिधर दिल करता है वो उधर ही सो जाता है, टाइम और जगह नहीं देखते कि कौन सा टाइम और किस जगह पे सोना है, बस खाली सो लेते हैं भाई। वो नींद पूरी करनी है चाहे जिधर भी हो। और के इलेक्ट्रिक वाले अपनी चुदाई कर रहे हैं, अगर गरीबों को खून पी गए या के इलेक्ट्रिक वाले उनको चैन की नींद नहीं सोने देते, और सोने भी क्यों देंगे भाई, पाकिस्तान और पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। अब इस भाई को आप देख सकते हो, कैमरे को देख के इसने हाथ निकाल लिया। सामने भाई देख रहा है। अच्छा यार एक और बात बतानी कि ये कराची आता है सिंध में, और यहाँ पे सिंधी और बलोची बहुत ज़्यादा है, सिंधी और बलोची। तो मेरे एक दिल कर रहा था कि चाय पी रहे आपको सामने चाय पीते हैं दोस्तों, चाय वाय के नाम से होटल है, आपको नज़र आ रहा है सामने चाय वाय, इधर जाके चाय पीते हैं और देखते हैं। अब इस भाई को थोड़ा सा शॉक करना है, अस्सलाम वालेकुम, चाय का कप कितने का? कप 20 रुपये कट 20 रुपये का। अच्छा एक कट दे दे। कितने? एक एक जी पठान है, पठान है। जो वीडियो कर रहा है ले जाना। ये भाई हैं चाय वाले और पठान भाई हैं हमारे भाई हैं, यही चाय है। तो माशाल्लाह मेहनत मजदूरी करके चाय बना के बेचते हैं, इनका चाय वाय का अपना काम है। भाई परेशान मत होइएगा, मैं YouTube पे चैनल है तो वीडियो बना देते, मेरे यही काम है। तो दोस्तों इधर बैठते हैं, चाय ले ली है, चाय लेने के बाद पुरसकून से बैठ जाते हैं। लोग देखते हैं कि यार ये भाई परेशान हो गया, भाई कहता है कि यार पकड़वाना है मुझे, मैं कहा नहीं भाई पकड़ाने का कोई चांस नहीं है, यूट्यूब पे चैनल है तो उस चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा भैया पीते हैं चाय। यार एक और मसला है कि कराची में पानी की इतनी सहूलत नहीं है, पानी बहुत ख़राब है इधर। तो 25 दिसंबर से पहले मैं गया था कायद आज़म के मज़ार पर, तो मैं गया, मैं इतना पैदल रास्ता पैदल गया, मैं गाड़ियों पे खजल पार होकर मैं गया। तो जब मज़ार में मैं पहुंचा तो उधर देखा रेंजर्स वाले खड़े हुए थे, मज़ार बंद ही हुआ था।
मैं जब पूछा भाई अगर, कहते यार ये 25 दिसंबर की परेड चल रही है, मैं को इतना दूर से आए हैं आप, कहते यार हम इतने दूर से आए हैं, माजरत है लेकिन आए नहीं, अंदर जाने नहीं देते। तो फिर हम 25 दिसंबर को गया था मैं सुबह 10 बजे, तो गया था परेड शुरू हो गई थी। जब परेड शुरू हुई थी जाके देखा तो बहुत मज़ा आया, तो बस वो मिस हो गया मुझसे। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। चलो दोस्तों अब चाय पीते हैं इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों एक और बात मुझे याद आई है कि भाई से मैंने पूछा चाय का कप कितने का है, मुझे कहता है कप 30 रुपये का और कट जो है वो 20 रुपये का है। मैंने कहा भाई ये कट क्या होता है, कहता टोकन। मैंने कहा अच्छा अभी भी टोकन चलते हैं, मशरा नन चे या हो, हाँ नन चे या हो बंद होना को पसंद है ज़्यादा, तेरे की इम्तान अच्छी है इसका माँ और नन या हो गो रहा भाई शब के में उसका लो। हाँ दलता बेकरी से कुछ सामान लेना था, उससे मैंने पूछा, वो कहता 5 नंबर गेट के सामने है। अब 5 नंबर गेट के तरह दिस इज माई फेवरेट। सारी मजदूर बरादरी बैठी हुई है, गरीब है बैठी हुई है, मैं मजदूरी के लिए मजदूरी कर रहा है हर कोई। अब एग्जिट 5 नंबर गेट देखना, 5 नंबर गेट की तरह यार बहुत गंदी बदबू आ रही है यार, इधर के जो नाले हैं ना नालों से इतनी गंदी बदबू आ रही है, गुजरना ही मुश्किल हो जाता है। पाँच नंबर गेट के सामने बेकरी है, आज घूमते ही रहेंगे, पहले उधर गए काजल, अब 5 नंबर गेट। अमीन मुझे लगता है इधर ही पता नहीं किस चीज़ की फैक्ट्री है ये, स्प्राइट कराची है अंदर बिल्कुल स्प्राइट। ये दोस्तों कोका कोला एंड स्प्राइट उसकी फैक्ट्री है ये, इधर कोका कोला बनती है और स्प्राइट ही बनती है। बहुत फैक्ट्रियाँ हैं यार समझ नहीं आती। दोस्तों पहली दफ़े मैंने एक होटल का नाम सुना, न्यू क्वेटा बेलचा होटल, आप लोग देख सकते हैं बेलचा होटल है ये, इसको बेलचा नाम दिया गया। मैंने जब कैमरे को जूम किया तो भाई साहब कह रहे हैं कि यार क्या कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये भाई कह रहे हैं कि बहुत मशहूर होटल है, बिरयानी बीफ पुलाव है, चिकन पुलाव है और सादा बिरयानी है, चिकन बिरयानी है और छह दुपट्टी सादा समस खावा ये चीजें मिलेगा। तो दोस्तों आपको हर चीज की वैरायटी मिल जाएगी इधर, तो अगर चक्कर लगा तो आप जरूर विजिट करिएगा। ये देखिए चाय माशाल्लाह क्वेटा की चाय है, ये मशहूर चाय है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं न्यू क्वेटा चकवाल बेलचा होटल एंड पकवान सेंटर, वो बिरयानी का उस्ताद है भाई जान ने, कहते हैं कि यार थोड़ी सी चाय पी लो, आए हो तो अब चाय पी के जाओ। मैंने बहुत मना किया लेकिन ये सामने बिरयानी है, बिरयानी स्पेशल बिरयानी है ये,
भाई जान से, भाई जान ने क्या कि यार रुको चाय पी लो। तो यार ये बेलचा होटल था, भाई से बात की है, कहता बहुत मशहूर होटल है, चास का बड़ा वो है 110 वाला, वो खुले जो है गोल पापे या बर्गर वो 60 रुपये पाओ, खुले 60 रुपये पाओ, या आधा आधा किलो 120 और वो 120 का वो दे दो यार, पापे अच्छे हैं वो दे दो, बड़ा पैकेट दे दो, बड़ा पैकेट वो 110, हाँ वो दे दो यार। दोस्तों बेकरी से कुछ सामान लेना था तो मैंने कहा ले लूं, बस भाई केक रस बना रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है इनकी, ये लेस चिप्स है, बिस्किट भाई जान नहीं दिया, ये शापर में नहीं डाल दिया, शापर में आएगा नहीं आएगा, इधर तक आएगा, मेहरबानी आएगा, मेहरबानी। सामान लिया अब निकल पड़े सामान लेके, रास्ते में वैसे ही बोर हो रहा था, बिजली लाइट चली गई तो मैंने कहा चलो टाउन को निकलते हैं, टाउन को चल पड़े। हम पहुंचने वाले हैं टाउन, तो रात भी होने वाली है, तो सारा फैक्ट्री एरिया, तो जिधर हम रहते हैं वो सारा फैक्ट्री एरिया, सारी फैक्ट्री है उधर, तो आज दूसरा विराग है, कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हाई क्वालिटी नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा तो, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बनाते चलते हैं, उधर फिर भी थोड़ा सा माहौल होता है, जाके टाइम गुजर जाता है, उधर जाके देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। हम आ गए टाउन, सामने PSO का पेट्रोल पंप है, तो लाइटिंग इतनी नहीं है, लाइट गई हुई है, अगर लाइट होती तो फिर बहुत मज़ा आता। माल्टे तो दोस्तों हम आ गए टाउन कबाब पराठे के साथ मुख्तलिफ चीज़ें, कलेजी, हर चीज़ की वैरायटी मिलती है भाई। भाई हम चावल खा रहे हैं, पेट पूजा फिर काम दूजा, फ्राई मछली होटल देखो, भाई जान चिप्स बना रहे हैं बड़ी सफाई के साथ फिर बना रहे हैं। यार आया था वैसे ही चक्कर लगाने, बिजली चली गई थी, तो बोर हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जाते हैं बाहर। तो प्लीज़ भाई जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, आपकी हेल्प की ज़रूरत है,
क्योंकि अभी तक चैनल नया बनाया तो चैनल को रात के वक्त माहौल होता है। ये फ्लैट्स हैं यार, सब फ्लैट भी बहुत चलते हैं इधर, तो लाइट नहीं है, मैं इतना नहीं आऊँगा इसके अंदर कैमरे के अंदर। तो खामोशी है यार, कोरोना के हवाले से यहाँ तो अभी भी कुछ कुछ कोरोना चल रहा है। सलमान भाई ने गाने लगाए हुए हैं, बिल्डिंग्स इतना रश नहीं है यार, ये रात के वक्त बड़ी गाड़ी आती है, आता लोग ओह माय गॉड यार क्या अच्छी फ्रेमिंग है। देखो जूस, चिकन के पंजे का जूस, सूप, कचौड़ी, चिकन, कलेजी फेवरेट है यार मेरी, कलेजी बहुत मज़ा आता है यार कलेजी खाने में, स्वीट समोसे। गर्मी आई नहीं भाई, लोग ऐसी भाई गर्मी आया नहीं, आप सर्दी आया नहीं, आप जैकेट बेच रहे हैं, भाई को बोला भाई सर्दी आया नहीं है तुम जैकेट बेच रहे हो, कहता यार आपको नहीं लग रही सर्दी है। तो भाई आज का ब्लैक तो शॉर्ट था यार, क्योंकि आज रात हो गई है तो रात का इतना व्यू अच्छा नहीं आता है। तो जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर उसकी कमी पेशी है तो कमेंट में बता दीजिए, उनका नाच भी और भी अच्छे अच्छे बात ले के आएंगे। तो दो तीन दिन बाद निकलेंगे घर से, तो पूरा लंबा चक्कर लगाएंगे, लंबा चक्कर लगाने में मजे नहीं आता, बिजली गिर भी यार ब्लॉग बनाने में कोई फायदा नहीं आता, मज़े नहीं आता रात को। तो टाउन में आए थे, टाउन में थोड़ा सा वक्त गुजारा, अब जा रहे हैं वापस घर कराची, गोदाम चुरंगी, यह टाउन है भैया हमारे घर के साथ। तो चाट वाला, समोसे वाला, अब इधर से मुड़ जाएंगे घर का रुख कर लेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों लाइट नहीं है तो आप दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।